10,000 का कैमरा है ना, मैं इसको ही फोड़ दूंगी। आप लोगों ने देखा मेरा सेटअप हो गया रेडी पूरा, और मुझे खुद को बहुत मजा आ रहा है। लास्ट 10 डेज से मैं इस ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ। जितने भी मेरे वीडियोज आप लोगों ने लास्ट देखे हैं, मैंने इसी ऑफिस में बैठ के एडिट करे हैं सारे, और फीलिंग बहुत अच्छा है। जब कोई भी चीज़ आप खुद से क्रिएट करते हो तो उसका फीलिंग मज़ा आता है। आप अपने हिसाब से उसके अंदर नमक मसाला डालते हो। जी हाँ, तो ये वाला व्लॉग मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे, फोटोग्राफी की बातें करेंगे, और ये हम लोग करने वाले हैं किड्स स्पेशल शूट। छोटी सी बच्ची है मेरी पारी जी, हाँ शेठानी की तरह बैठी है। बेटा क्या पढ़ रहे हो आप, लव स्टोरी पढ़ रहे हो क्या? अरे मेरी छोटी सी बच्ची थक गई बैठे बैठे। सही था, उसने सपोर्ट भी ले रखा है इसका। हाँ इधर से पकड़ा हुआ है उसने। प्रोफेसर वाला। आप लोगों ने देखा ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कैसे किया, एक स्टोरी मैच करी कि कैसे एक बच्चा पढ़ाकू बन सकता है या लग सकता है। पढ़ाकू बनना चाहिए, हर बच्चे को होना चाहिए। चश्मा जानबूझ के हमने प्रोफेसर वाला दिया है क्योंकि प्रोफेसर की बच्ची है तो वो लगनी चाहिए, पठान की बच्ची है। पिक्चर पे जो मैंने अपने कैमरे की सेटिंग रखी थी 60 शटर स्पीड एंड अपर्चर मेरा 2.0, 1250 मेरा ISO था, और ये रिंग लाइट है। ये रिंग लाइट मैंने वॉल पे बॉन्स मार के इधर दी थी। बाकी आपने ये मिर्ची लाइट देखी, ये जल रही थी, वो मेरा टॉर्च है जिसमें मैंने ब्लू जेलेटिन लगा के पीछे से फिल कर रखा था। चलो भाई इसको फटाफट यहाँ से क्लीन करते हैं क्योंकि नेक्स्ट शॉट की तैयारी करनी है। और मम्मी लेके आ गई छोटे से बच्चे को। मम्मी हेलो बोल दो। हेलो। बच्ची सो गई है और बच्ची को अभी स्लीपिंग पोजीशन पे हम लोग शूट करेंगे। पर मम्मा ऐसे सुला दो। हाँ मैं कर लूँगा उसको। अरे छोटा सा बच्चा सो गया है, बहुत थक गया। अच्छा इसकी जो नींद है ना बहुत ही चिड़िया के जैसी है, तो अब हमको काम बहुत ही आराम से करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी मैं कुछ करूँगा ना थोड़ी सी आवाज़ होगी तो उठ जाएगी, और उठ जाएगी तो थोड़ी क्रैंकी हो जाएगी, और क्रैंकी हो जाएगी तो अपने को एक्सप्रेशन सही से नहीं मिलेंगे, तो ये भी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों के शूट थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं तो पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। और आप लोगों को लग रहा होगा ये येलो क्यों पहना है मैंने, तो येलो इसलिए पहना है ताकि बच्चा कलर देख के अट्रैक्ट हो और वो मेरी तरफ देखे और थोड़ा स्माइल करे। अरे उठ गया। हाँ उठ गया। सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। ओ ना ना मेरा बच्चा। हाँ सो जा सो जा। मैंने बोला था ना चिड़िया जैसी नींद है, मैं इतनी कम आवाज में बात कर रहा हूँ फिर भी उठ गई यार। छोटा बेबी सो जा सो जा। यस मायरा आप क्या कर रहे हो, पुलिस को फोन कर रहे थे आप? कैसे कर रहे थे? बस बस हो गया, डायल हो गया। हाँ बोलो। फोन तो उठाने दो। ओहो उठाने दो उठाने दो। आपको कुछ पता नहीं चला। किसके बारे में कंप्लेंट करनी है? नब्बू के बारे में। ये 10,000 का कैमरा है ना, मैं इसको ही फोड़ दूंगी। बाप रे बाप। इतना गुस्सा? 10,000 का नहीं है, और ज्यादा का है। लेकिन बेटा पुलिस केस हो जाएगा तुम्हारे पे। पुलिस को 10,000 दे दो।
दूंगी और मार दूंगी। चलो बेटा गुस्सा नहीं करते ना, आप दोनों फ्रेंड्स हो ना। अच्छा आप दोनों फ्रेंडशिप कर लो, आप दोनों पहले फ्रेंडशिप करो। आप दोनों के लिए गिफ्ट आया है, आप दोनों के लिए गिफ्ट आया है। वेरी गुड। और इसके लिए कोई जग्गी नहीं करेगा। ओके, इसको कौन सा चाहिए? आपको कौन सा चाहिए बताओ? नहीं कोई, दोनों एक जन नहीं, कोई एक एक ले लो। मायू ये वेरी नाइस। देखो येलो येलो मायू का सेम हो रहा है ड्रेस। वाओ। हाँ अभी जग्गी नहीं करोगे ना? बेबी शूट कर रहे हैं आज। शूट कर रहे आज। शोर मत मचाना। शोर मत मचाना। हाँ चलो बाय बोल दो। बाय। चाचू किसी कर दो। थैंक यू। ये मेरी क्यूटी पाई। इसका नाम है, आपका नाम क्या है बताओ? नविया। और आप क्या कर रहे हो? स्टडी। स्टडी? आप सबसे क्यूट बेबी हो। सैंडविच। आप सैंडविच खा रहे हो? और ये है मेरी भाभी, ये है इनकी बेटी, ये इनकी मम्मी है। दोनों सेम, जैसे सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और वही सीढ़ियाँ नीचे आती हैं, वैसे ही दोनों सेम। अब आपको स्टडी करनी है तो मतलब चाचू डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, है ना? तो चाचू यहाँ से जाएं। चलो भाई, बच्चों ने भी भगा दिया, अब तो चले जाओ यहाँ से। चलो चलो चलो। मेरे को बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और मस्की के बारे में पूछ रहे हैं। यस आई मिस हिम, और वो अभी जयपुर में, बट अभी मौसम अच्छा हो गया तो विकास के साथ वो मस्त चिल मार रहा है। ये है हमारा लियो, हिज नेम इज लियो, और बहुत ही इंटेलिजेंट कैट है ये। अपने आप ये जाली वाला डोर खोलता है, बाहर जाता है, खाना खाता है, बिल्कुल परेशान नहीं करता। और इसको बस एक ही चीज़ पसंद है, लियो। बस इसको ऐसे करते रहो, इसको ऐसे करते रहो, और इसको कुछ नहीं चाहिए। हर घर का एक अमिताभ बच्चन होता है, और हमारे घर के अमिताभ बच्चन है ये। टेंग टेंग। ये है मेरे बड़े भाई, और इनको कैमरे पे आने थोड़ी सी शर्म आ रही है, क्योंकि हमको भी शर्म आती थी, अब थोड़े थोड़े कंफर्टेबल होने लग गए हैं। स्पोर्ट्स पर्सन है इसलिए यूनिफॉर्म में अभी तक सुबह सुबह मैच खेल के आ रहे हैं। 5 बजे सुबह मैच खेलने गए थे, शक्ल से टैनिंग दिख रही होगी और थकान दिख रही होगी। अच्छा ये तो बता दो, मैच जीते कि नहीं? मैच जीते हैं। हाँ, और 24 स्कोर रन करा है मैंने 16 बॉल्स पे। 16 बॉल्स पे 24, और विकेट? विकेट नहीं ली मैंने, कैचेस पकड़ी हैं दो डीप में, डीप एक्स्ट्रा में। क्या बात है। चलो भाई, मेरे को पता है चैंपियन है वो। जब हम छोटे थे ना, हमारी दो टीम होती थी जिसके अंदर लड़ाई होती थी कि मेरे भाई को कौन लेगा टीम में और मेरे को कौन लेगा। मेरा भाई अफरीदी के नाम से फेमस था और तुम्हारा भाई शोएब अख्तर के नाम से फेमस था। अपना रवटिया लगे यार शुरू से। और ये मेरी जुल्फे हैं, ओहो हो। तो जी सीन ऐसा है कि बच्चों का शूट तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा, बच्चों का नहीं बच्ची का, बल्कि अलिया का शूट मुझे नहीं लगता आज हो पाएगा, क्योंकि अलिया सो गई है। आज अभी 8:30 हो रहे हैं, वो अभी 1 घंटे बाद उठेगी, दूध पिएगी और वापस हो जाएगी। और अगर उसको सोने को नहीं मिला तो वो रो रो के पूरे घर को जगा डालेगी, पूरा घर नहीं सो पाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ मिलते हैं हम अलिया के अबू जान, डैडी, पापा। ये मेरा छोटा भाई नौशाद खान, बताओ भाई क्या बोलना चाहोगे तुम इसके बारे में? बच्ची का शूट नहीं हो पाया, उसके बारे शूट नहीं हो पाया इसका तो कम मुझे रहेगा, मगर हाँ मैं हूँ, मैं करूँगा और मुझे जब जब टाइम मिलेगा मैं करता हूँ, मगर हाँ भाई जैसा नहीं कर पाऊँगा। नौशाद बहुत ही अच्छा सिनेमेटोग्राफर है, आपने जितने भी शूट देखे जिसके कैमरे के फ्रंट में मैं था और कैमरा जो भी ऑपरेट कर रहा था वो नौशाद है, और बहुत ही अमेजिंग कैमरा करता है। उसने मॉडल वाले टेंटरम दिखा दिए ऐसे कि भाई एक ड्रेस के बाद मेरे को थोड़ा सा दो। I don't feel like shooting. Sorry, I am going to sleep. Yeah. वो हमारा ब्लॉग पैकअप करने से पहले उसने अपना पैकअप कर दिया कि निकलो चलो मेरा। तो अभी ऐसा है कि प्लान था कुछ और करने का लेकिन कुछ और हो गया, तो वो होता है ना कि शूट गॉन रॉन्ग, तो वही आज हमारे साथ हुआ है। आज उस रॉन्ग का मजा मैंने चखा है, बट अच्छी चीज क्या है कि क्लाइंट का होता है ना तो कैसे भी करके वो शूट करना होता है, लेकिन यहाँ ये अपनी बच्ची है, अपना शूट है, अपना प्रोडक्शन है, तो ठीक है। मस्त हो गई अपने आप ही, मुझे छोड़ दो मैं कर लूंगी भाई।
अभी ऑन कर लो, दिखती रहेगी। ये इसके पासवर्ड को कोई बोझ ही नहीं ले रहा भाई। ओए ओए ओए, मेरे GoPro अरे मैंने रिकॉर्ड पे लगा के छोड़ा था। हो रहा है क्या? अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ। तो हम लोग नीचे से ऊपर आए और आलिया जाग गई थी, तो हमने वापस शूट स्टार्ट किया, लेकिन मेरे को पता है उसका टाइमिंग, क्योंकि मैं इतने दिन से उसके साथ में हूँ, तो मुझे एक एक टाइमिंग का उसका पता है। मुझे पता है वो इरिटेट हो रही है, अभी उसको दूध पीना और उसको सोना है। तो अरे आई वापस, अरे वाह, देखो क्यों रो रहा आपको। चलो ठीक है, एक लास्ट और ट्राई करते हैं। मेरा बच्चा रो गया क्यों? इतना पारा तो लग रहा है, इतना पारा तो लग रहा है। मेरा बच्चा, मेरा छोटी, मेरी बच्ची है, सबसे बेस्ट बच्ची है। अरे ड्रेस पे छोड़ो। चन्नपाली कर दो ठीक है। उसको ऐसे पीछे से घेरते हैं, जैसे हाथ करते हैं ना, जैसे चिल्बारी कैसी करती है। और फाइनली किड्स गॉन शूट हमारा रॉन्ग नहीं गया, फाइनली हो गया, लेकिन जिस तरीके से जितना इन्फॉर्मेटिव मैं बनाना चाहता था उतना नहीं बना पाया। और ठीक है, अभी इस चीज को करते हैं। हमारे बच्चे बहुत ही शरीफ बच्चे हैं, ये शरीफ बच्चे सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। सबसे शरीफ बच्ची ये जो अभी इतने आराम से बैठी हुई है। हाय कटी शक्कू, हाय। तो सब लोग हेलो बोल दो, पहले तो हेलो बोल दो। हेलो मायरू, हेलो बोल दो। हेलो। चलो अभी आई थिंक ब्लॉग हमारा अच्छा खासा हो गया होगा लंबा, इसको अभी यहीं पर पैकअप करते। तुम कुछ बोलना चाहते हो? नहीं। आप कुछ बोलना चाहती हो? नो। आप कुछ बोलना चाहते हो? क्या क्या बोलना है आपको? पैकअप बोलना है आपको? अभी बोलते हैं आपको। ओके, 1 2 3 पैकअप। किसी का तो किसी।